नमस्कार दोस्तों, हमारे होम रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम भरवा बैंगन बनाएंगे, तो चलिए हम बनाते हैं। भरवा बैंगन बनाने के लिए हमें बैंगन चाहिए, अच्छा बैंगन चाहिए, फ्रेश बैंगन। और हम जो ऊपर का रहता है बैंगन का, ये वाला हम निकाल देते हैं। इसको अच्छे से निकाल कर और डंडी को काट कर छोटा कर लेंगे और चार भाग में कर लेते हैं, और कीड़ा भी देख लेंगे अच्छे से अंदर। बैंगन को चार भाग में काट लिया। अब हम ये आलू छील कर लिया है, इसको भी बड़े बड़े टुकड़े में काट लेंगे। टमाटर को भी काट लेंगे। और हमने ये मूंगफली लिया है, उसको भून लेंगे थोड़ा सा, भून कर और छिलका निकाल कर इसको मिक्सर में पीस लेंगे। लहसुन और अदरक, जीरा मिर्च और मूंगफली सब मिलाकर हम पानी नहीं डालेंगे, इसको मिक्सर में पीस लेंगे। तो चारों को मिलाकर हम पीस लेते हैं, पानी नहीं डालेंगे, ऐसे सूखा ही पीसेंगे। तो पीसने के बाद इस तरह हो जाएगा। इसमें हम मसाला मिलाएंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाले। और ये सब मिलाकर हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको लगे तो थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लीजिए। तो हम इसको मिक्स करके और फिर भरेंगे बैंगन में। तो देखा, हमने सब डाल दिया, गरम मसाला भी डाला, स्वाद अनुसार नमक भी डाला। और इसको ऐसे मिक्स लेते हैं, इस तरह से अच्छे से चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, मूंगफली में मिक्स हो जाए। तो हम सब मसालों को मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम बैंगन के अंदर इसको भर देते हैं। तो देखिए, इस तरह हमको भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है, इतने भरना है जितना कि वो पकड़ पाए बैंगन, इतना भर लेना है। तो हम मसालों को भर लेंगे और जो मसाला बचेगा उसको ऊपर से हम डाल देंगे। तो हम चारों बैंगन में भर लेते हैं, जो बचेगा उसको हम अलग से उसी सब्जी में डालेंगे। इसी तरह हम सब बैंगन को भर लेंगे। भरने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार भरना है। तो सब हमने बैंगन में भर दिया। हम कुकर में बनाएंगे, कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, कुकर में अच्छे से पक जाएगा। तो कुकर में हमने तेल डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, दो चार कड़ी के पत्ते डाल देंगे और बारीक प्याज काटा हुआ वो डाल देंगे और सबको भून लेंगे। तो हमने बारीक काट के प्याज, दो छोटे छोटे प्याज डाल दिया और इसको भून लेते हैं। ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे, मसाला भी है तो ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए। तो हम इसको भून लेते हैं। भून कर पहले हम आलू को भूनेंगे। पहले आलू भून लेते हैं इसको 2 से 3 मिनट तक। धीमी आंच पे हम आलू भून लेते हैं। आलू भून जाएगा उसके बाद हम बैंगन को डालेंगे, जो भर के रखा है उसको डाल देते हैं। इसको भी थोड़ा भून लेंगे। तो हमें अच्छे से भून लेना है, धीरे से चलाएंगे, नहीं तो जो भरा हुआ बैंगन है उसमें से मसाले बाहर आ जाएगा। अगर आपको चाहिए कि हमें तीखा ज़्यादा खाना है तो आप थोड़े थोड़े मसाले ऊपर से भी डालकर इसको भून लेंगे। तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम नहीं डालेंगे। अगर आपको चाहिए मसाला तो और थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं ऊपर से। तो जो हमने भरा था बैंगन में, वो जो मसाला बचा था वो ऊपर से हमने डाल दिए, उसको डालकर भून लेते हैं। हमने ऊपर से नमक नहीं डाला क्योंकि हम मसाले में नमक डाल दिया था, इसीलिए हमें ऊपर से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो भून गया है हमारा सब्जी। उस पे जो टमाटर हमने काट के रखा था वो डाल देंगे, बड़ा बड़ा पीस काटा है ताकि गले नहीं। तो एक टमाटर में 2 टुकड़े किए हैं हमने बड़े बड़े। तो आप देख सकते हैं हमारा सब्जी भून चुका है। अब इसमें हम अपने अनुसार से पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डाल लेते हैं, फिर हम कुकर लगाएंगे। तो हमें थोड़ा ही पानी डाला और कुकर लगा देंगे, 2 सीटी तक मारेंगे, 2 सीटी से ज़्यादा नहीं, नहीं तो ज़्यादा गल जाएगा। ये बैंगन कुकर में बहुत अच्छी तरह से पक जाता है, इसीलिए हमें कुकर में सीटी लगा लेना है, कढ़ाई में नहीं। तो हमारा सब्जी पक चुका है, देख सकते हैं अच्छे से, खूब अच्छे से। आलू भी पक चुका है, हमारा बैंगन भी पक चुका है। तो हमारा सब्जी तैयार हो गया है।
अब हम गैस को उतार ले कुकर को उतार लेते हैं और दूसरे बर्तन में सब्जी को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं सब्जी हमारा बहुत अच्छे से बन चुका है, पक चुका है, रेडी हो चुका है। हमारा टमाटो भी नहीं गला है, अच्छे से पका है, लेकिन दिख रहा है अच्छे से। आलू भी पक चुका है। धनिया पत्ता डाल देते हैं ऊपर से ताकि स्वाद थोड़ा और आ जाए इसमें, इसका खुशबू आ जाए उसमें। हमारा बैंगन कवर हुआ तैयार हो गया। ऐसे ही रेसिपी के लिए आप सब्सक्राइब